नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएस 2020 के मेंस में, उसको यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है, इसमें सारे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो सिलेबस है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट जो 3 सेक्शन हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कशन से पहले हम लोग सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देख लें दोस्तों, यहाँ पे पहला जो सेक्शन है फिजिकल फीचर्स, इसमें यूपी पीसीएस में यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है जियोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर पहला टॉपिक है। तो जियोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें इंडिया के जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसे पुराना हो गया सिस्टम, आर्कियन सिस्टम हो गया, और इसके बाद द्रविड़ियन, आर्यन, ये सारे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको आपको स्टडी करना है। इसके अंदर फिर रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया में जो रॉक पाए जाते हैं उनके जियोलॉजिकल टाइम क्या है, किस टाइम से बिलोंग करती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसको यहाँ पे स्टडी करना है। फिर देखो जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में आपको 3 डिवीज़न इंडिया को डिवाइड किया है जियोलॉजिकली। पहला है हिमालय रीजन, फिर है प्लेन रीजन, और फिर है पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में डेक्कन प्लेटियो के जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आपको तीनों डिवीज़न को यहाँ पे स्टडी करना है इस सेक्शन में, जियोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं रिलीफ एंड ड्रेनेज। तो रिलीफ एंड ड्रेनेज में आपको जनरली हिमालयन और पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको यहाँ पे स्टडी करना है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर दोनों को जो कंपेरिजन है दोनों आप स्टडी कर लेना 2020 के लिए। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक है सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, इसमें दोनों में ही यानी सॉइल की टाइप, कैरेक्टरिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में कितने टाइप के सॉइल पाई जाती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्टडी करना है। फिर नेचुरल वेजिटेशन में भी यहाँ पे जैसे फॉरेस्ट की मेनली, तो फॉरेस्ट की टाइप यहाँ पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको इस सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन में स्टडी करना है। फिर देखो अगला जो टॉपिक है दोस्तों सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इस टॉपिक में आप देखोगे तो सॉइल डिग्रेडेशन का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन का डिफिनेशन पता होना चाहिए, इसके कॉजेज क्या हैं, कंसिक्वेंस क्या होंगे डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन का, और इसके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कदम अभी उठाए गए हैं और क्या क्या अभी उठाना बाकी है, ये आपको स्टडी करना है सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन में, ठीक है। यहाँ सॉइल डिग्रेडेशन में डिजर्टिफिकेशन भी आपका आ जाएगा, डिजर्टिफिकेशन जो इंडिया में हो रहे हैं वो सॉइल डिग्रेडेशन में ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है दोस्तों ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून को आपको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करना है दोनों ही, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों ही मानसून को डिटेल में, इसके ओरिजिन, इसके मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करना है। इसके साथ साथ जो इसके फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, जैसे एल नीनो, ला नीनो, एनसो और इंडियन ओशियन डाइपोल, इसको भी आपको स्टडी करना है इसी सेक्शन के अंदर। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन में आपको 3 क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है कोपेन के द्वारा, थॉर्नथ्वेट के द्वारा और ट्रीवार्था के द्वारा, इन तीनों को इस सेक्शन में स्टडी करना है। लेकिन कोपेन को रिसेंटली, कोपेन क्लासिफिकेशन रिसेंटली पूछा गया था, तो 2020 के लिए आप देख सकते हो थॉर्नथ्वेट और ट्रीवार्था जो क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लाइमेटिक रीजन में आपको ये 3 टॉपिक को स्टडी करने हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या स्टडी करने हैं सिलेबस के अंदर। फिर दोस्तों अगला जो सिलेबस मेंशन है फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन में, फिजियोग्राफिक रीजन की डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि फिजियोग्राफिक जो रीजन डिवाइड करते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम रीजन में इंडिया को 6 जो फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसको आपको स्टडी करना है। फिर यहाँ पर हिमालयन जो फिजियोग्राफिक रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन है, डिजर्ट है, पेनिनसुलर इंडिया है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है, इसको आपको डिटेल में स्टडी करने हैं फिजियोग्राफिक रीजन में, इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसके स्ट्रक्चर और इसके रिलीफ फीचर, ये सारे कुछ फिजियोग्राफिक रीजन में ही आपको स्टडी करने हैं। ये रहा दोस्तों फिजिकल फीचर्स, इसमें हम लोग जो सिलेबस के एनालिसिस किए क्या क्या स्टडी करना है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। फिर देखो दूसरा जो सेक्शन आता है दोस्तों उसमें वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, इसको आपको स्टडी करना है अलग अलग में। इसके देखो इसको डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए कि बायो स्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, इसके बीच में डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस भी
पता होनी चाहिए कि क्यों इसको बनाया गया है और जो फ्लोरा और फौना यानी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं इसको आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसका थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए। हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को द्वारा मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में उसको कन्वर्ट किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बारे में पूछ ले। तो यहाँ पे 18 में से 10 जो है दोस्तों वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के द्वारा मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व में इसको काउंट किया गया है। तो हो सकता है रिसेंटली जो ऐड किया गया है मैप प्रोग्राम में उसके बारे में आपको डिटेल पूछ ले। तो यहाँ पे 2-4 लाइन यानी कि बायोस्फीयर की लोकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे कौन सी फ्लोरा फौना पाए जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। फिर दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन के लिए, फिर 4 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में पाए जाते हैं जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और सुंडालैंड, ये आपको थोड़ा सा डिटेल पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या वेजिटेशन और फ्लोरा फौना पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर। फिर देख लें दोस्तों अगला जो सेक्शन है यहाँ पे तीसरा सेक्शन, इसकी सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे वेटलैंड और टूरिज्म, रिसोर्स एंड इकोनॉमी, नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इशू, ये दोस्तों ये पूरा सेक्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसकी वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो वेटलैंड की डिफिनेशन पता होनी चाहिए, वेटलैंड किस टाइप की इकोसिस्टम है ये पता होनी चाहिए, इसके बाद इसके जो वेटलैंड के डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके कंसीक्वेंस क्या होंगे, वेटलैंड के डिस्ट्रक्शन के कंसीक्वेंस क्या होंगे और इंडिया में स्टेटस क्या है वेटलैंड की कंसीक्वेंस के लिए यानी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका स्टेटस क्या है, फिर इसके कंजर्वेशन मेथड के लिए क्या क्या इंडिया में पॉलिसी अपनाए गए हैं, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिटेल में होना चाहिए और यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए वेटलैंड के संदर्भ में। तो वेटलैंड में आपको दोस्तों ये सारे पढ़ने हैं। फिर देखो टूरिज्म, रिसोर्स एंड इकोनॉमी, इसमें भी टूरिज्म एज ए रिसोर्स है इंडिया में और वे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो टूरिज्म एज ए रिसोर्स इसको भी स्टडी करनी है और ये क्या है टूल है, ठीक है, टूल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को रिडक्शन कर लेके टूरिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखो टूरिज्म इन रूरल इकोनॉमी, यानी यहाँ पे जो टाइप ऑफ टूरिज्म है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, रूरल इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं टूरिज्म, वहाँ पर पॉवर्टी या वहाँ पर जो लोग हैं उसके जीवन यापन में कैसे टूरिज्म हेल्प करते हैं उसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर देखो टाइप ऑफ टूरिज्म में जैसे बिजनेस टूरिज्म जो इसको अर्बन टूरिज्म भी बोलते हैं, इसको बिजनेस टूरिज्म हो गए, रूरल टूरिज्म हो गए, इको टूरिज्म हो गए, हेल्थ टूरिज्म में योगा, मेडिकल, आयुर्वेदा, हर्बल टूरिज्म, कल्चरल एंड एडवेंचर टूरिज्म, मोबाइल टूरिज्म, इसके बारे में आपको 2-4 लाइनें पता होनी चाहिए और इंडिया में स्टेटस भी पता होनी चाहिए। एक्चुअली इंडिया दोस्तों टॉप 10 कंट्री में आता है जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं और एशिया में तो फर्स्ट नंबर है इंडिया का और इसके बाद शायद साउथ ईस्ट एशियन में कुछ एक कंट्रीज है उसके बारे में आता है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे आप देखो इंडिया की स्टेटस से पता होना चाहिए कि टूरिज्म इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया में आते हैं कितने आते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है नेचुरल हैजार्ड्स, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार क्योंकि देख सकते हो जो अपना COVID-19 है एक पैंडेमिक है। देखो पैंडेमिक और एपिडेमिक में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो एपिडेमिक भी इंडिया में हुआ था जो लोकस्ट का अटैक हुआ था या टिड्डी अटैक बोलते हैं वो एपिडेमिक था क्योंकि एक स्मॉलर जो जियोग्राफी एरिया था वहाँ पे ये बायोलॉजिकल डिजास्टर आया था, लेकिन जो कोविड है वो क्या है एक लार्जर या कंटिनेंट से भी लार्जर एरिया में जो बायोलॉजिकल डिजास्टर आया है वो है पैंडेमिक। तो कोविड एक पैंडेमिक है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लोकस्ट टीडी एपिडेमिक है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक है बायोलॉजिकल डिजास्टर है ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर दोस्तों वो है फ्लड, अर्थक्विक, सुनामी, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए फ्लड के बारे में, अर्थक्विक, सुनामी, लैंडस्लाइड, ड्रॉट और रिसेंटली जो सुनामी आया है रिसेंटली जो यहाँ पे
जैसे फ्लड आए हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और देखो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, रिडक्शन के लिए, प्रिपेयरनेस के लिए, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों इस बार बन जाता है मेरे हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके क्राइटेरिया क्या है इसको भी आप पढ़ लेना, और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं अपना COVID-19 के पैंडेमिक को दूर करने में इसको आप पढ़ लेना। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हमारे पास रूल है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बाद लोकल बॉडीज भी आती हैं, ये सब के बारे में आप थोड़ा सा कोरिलेशन देख लेना कि इस कैसे नेचुरल हैजार्ड को यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हेल्प होती है, जैसे यहाँ पे लोकेट करना और मैपिंग करना, हैजार्ड मैपिंग करना, और फिर सैटेलाइट का यूज़ करना हैजार्ड को कंप्लीट दूर करने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस बार इससे क्वेश्चन एक तो ज़रूर बनेंगे 15 नंबर का, तो इसको आप तैयार कर लेना दोस्तों अच्छे से। फिर देखो अगला जो इशूज है, जैसे इन्वायरमेंटल इशूज, ये भी एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल इशू। इसमें आप देखोगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। इसके अलावा आप देखोगे तो सॉइल डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन, ये सब हमारे क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये एक्चुअली जीएस का पेपर भी, जीएस यानी जनरल स्टडीज में भी आ जाता है, तो इन्वायरमेंटल इशू यहाँ पे लिस्टिंग मैं कर दिया हूँ, इसके बारे में 2-4 लाइनें आप जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है पूछ लिया जाए कि डिजर्टिफिकेशन या डिग्रेडेशन इन्वायरमेंटल इशू है, या डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि इंडिया में कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशू अभी फेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो आप तैयार कर लेना दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों सिलेबस के एनालिसिस, हम लोग बहुत ही फास्ट वे में किए हैं, तो आई होप जो हम अभी डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, और नहीं तो मैं तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये है दोस्तों सिलेबस, इसके अंदर आपको पढ़ने हैं इतने से सिलेबस। इसके बाद आप देख लेते हैं 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इन तीनों सेक्शन से, तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों इसको रीड नहीं करते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब पर भी, इसके नोट्स भी आपको जो लिंक दिया गया है बिलो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लेना एक बार पढ़ लेना। और इसके अलावा 2017 में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे पूछा गया था जियोलॉजिकल सिस्टम है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटियो ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, फिर तीसरा क्वेश्चन था फिजियोग्राफी रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, तो तीन क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, लेकिन 2018 में आप देखोगे थे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पे कम से कम आपको 60 से 80 नंबर का क्वेश्चन आपको निकलेगा तीनों सेक्शन से, तो तीनों सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अब बात आई दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड ज्योग्राफी जो मेंस के क्वेश्चन है उसकी बात आ रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप ये जरूर स्टडी करना, इतने जो मैंने टॉपिक दिए हैं इसको स्टडी करने के बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप कंप्लीट सिलेबस को स्टडी कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं पहला आपको क्या स्टडी करना है, जियोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालय रीजन के जियोलॉजिकल जो सिस्टम है स्ट्रक्चर इसको आप देख लेना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द मानसून, मानसून के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको स्टडी करना। फिर फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालय रीजन, हिमालय रीजन की फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक को आप देख लेना। फिर हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम है और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इसका डिफरेंसेस आप देख लेना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। फिर इसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही इन्वायरमेंटल इशू हैं, तो दो जगह ये कवर होते हैं, एक तो डायरेक्टली है यहाँ पे, एक इन्वायरमेंटल इशू में भी ये कवर होते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लेना। फिर यहाँ पे ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाते हैं थॉर्न थ्वेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इंडिया का, ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये दोनों पढ़ लेना आपका थॉर्न थ्वेट और ट्री वार्था, ये क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भी आ जाएंगे। फिर देखो डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में 18 जो है वो नाम आपको पता होने चाहिए, उसकी एक एक दो दो लाइन की कैरेक्टरिस्टिक यानी हर बायोस्फीयर की रिजर्व की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, ये आप जरूर पढ़ लेना। फिर देखो टूरिज्म में भी आप देखोगे हेल्थ टूरिज्म क्या है, रूरल टूरिज्म क्या होती है, मोबाइल टूरिज्म क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेना, और टूरिज्म सेक्टर कैसे पॉवर्टी को एलिवेट करने में हेल्प करती है और इकोनॉमी में कैसे हेल्प करती है इसको आप जरूर पढ़ लेना। इसके बाद नेचुरल हैजार्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार का टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेचुरल हैजार्ड दो इंडिया में आ चुके हैं, पहला COVID-19 जो पैंडेमिक है, और इसके बाद लोकस्ट अटैक या TD का अटैक वो हमारा एपिडेमिक है, तो इसको आप पढ़ लेना।
फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में आप पढ़ना। एक्चुअली ये पॉलिटिकल टॉपिक है लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि पैंडेमिक और एपिडेमिक में ये जो एक्ट है बहुत ही हेल्प करता है, तो इसको आप पढ़ लेना ज़रूर। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो मेंस का क्वेश्चन है जो 2020 में यूपीपीसी से पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, साथ साथ सिलेबस की भी एनालिसिस किए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत ही फास्ट वे में हम लोग एनालिसिस किए हैं, इसके लिए सॉरी शायद आपको क्लियर वॉइस नहीं मिल रही हो, बट ये जल्दी से हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे जो तीनों सेक्शन के हम लोग सिलेबस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस किए हैं। आई होप दोस्तों आपको जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और कोई इशू जो हो वो भी हमें कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।